हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आप देख सकते हो हमारी जो ब्लू वाली ओला है ये अभी रिसेंटली वापस ख़राब हुई थी। मैंने आपको बताया था मित्तल हॉस्पिटल के यहाँ पे, वो वीडियो आपने पिछला वीडियो देख लिया होगा, है पार्ट टू है। अभी मैं इसको टो करके घर तो ले आया, अभी यहाँ पे देखते हैं ट्राई चल रही है नहीं। तो देखो बटन हम कितना भी दबा लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको डिस्प्ले दिखाना चाहूँगा, एक बार डिस्प्ले के पास लाओ। यहाँ पे आप देखो डिस्प्ले नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर बटन नहीं चलने की वजह से यहाँ पे जो टेक्नीशियन थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही यहाँ पे बटन निकाल के चेक किया जाए, क्या पता उससे चल जाए या फिर सच में वायरिंग वाली प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। आपके पास भी अगर कोई टेक्नीशियन आएगा तो वो भी अपनी गाड़ी में से वो पार्ट को निकालेगा और फिर जो व्हीकल ख़राब होगा या फिर जो भी स्कूटर ख़राब होगा उस स्कूटर के अंदर उस पार्ट को लगा के देखेंगे कि क्या यही पार्ट एक्चुअल में ख़राब है या फिर कुछ और है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी वाली ओला इसको खोल रहे हैं और यहाँ पर खोलने के बाद ये जो इन्होंने कीपैड निकाला है वो कीपैड लगा के देखने वाले हैं। तो उसके बाद फाइनली पता चलेगा कि क्या चीज़ एक्चुअल में ख़राब है। हालांकि मुझे लगता है कि यार देखो सर्विस के इशू अभी बहुत सारे लोगों के साथ आ रहे हैं। मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि यार सर्विस प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने इस कीपैड से यहाँ पे बटन दबा रहे हैं जैसे ड्राइव मोड पे ले जाने के लिए। तो गाड़ी ऑन तो हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है। तो ये साइड स्टैंड हटाया जा रहा है पहले और उसके बाद ड्राइव मोड पर ले जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं ये। तो हाँ देखो ड्राइव मोड पर जारी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके अंदर कीपैड का ही इशू है। तो अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाला है कि ये किस तरीके से कितने टाइम में होता है, कितने रुपए लगते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों के पास भी ओला S1 प्रो है तो आप ये चार्जर होल्डर ले सकते हो, पिन कमेंट चेक करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। तो गाइज अभी इन्हें भैया ने ना यहाँ पे चेक कर लिया, पहले जो वायरिंग प्रॉब्लम थी मतलब टॉप हार्डनेस वाली जो प्रॉब्लम थी वायरिंग की वो तो अभी नहीं आ रही है। मतलब पहले हमारे को लग रहा था वो आ रही थी, लेकिन इनके प्रॉब्लम पता क्या है, इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है बटन्स की, जो इसका कीपैड है वो खराब हो चुका है। तो ये कब तक सही हो जाएगा? 2 दिन में सामान आता ही, अगर पड़ा हुआ हुआ अपने पास हाँ। तो आज ही हो जाएगा, और नहीं हुआ तो ऑर्डर कर देंगे, आ जाएगा जल्दी जल्दी। तो अभी अगर नहीं हुआ तो 2-3 दिन गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी और 2-3 दिन बाद भैया वापस आएंगे और जब जाके सही करेंगे। तो वेट करते हैं इसके कीपैड आने का। Several days later. तो गाइस 4 तारीख को अपनी गाड़ी ख़राब हुई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। उसके बाद हम घर लेके आ चुके थे और अभी लगभग आप देख सकते हो 7 दिन हो गए, बीच में होली का दिन भी आ गए थे तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। और अभी हमारे पास जो पार्ट्स ख़राब था वो आ चुका है, अभी वो पार्ट्स रिपेयर करने के लिए अब्दुल भाई भी आ चुके हैं जो कि अजमेर के ओला टेक्नीशियंस हैं। तो उनसे अभी चेंज करवाते हैं और फिर देखते हैं फाइनली हमारी गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो पाती है या नहीं, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो पाती है नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो ये नया पैड है और ये पुराना पैड है, ये इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब हो सकता है प्रॉब्लम देखो नॉर्मली आ जाती है अगर हम गाड़ी को कंटिन्यू चलाते हैं तो काफ़ी टाइम में। तो यहाँ पे नया पार्ट आ चुका है तो यही यहाँ पे अब लगने वाला है। तो अभी लगवाते हैं इसको। हमारी ओला तो ठीक हो रही है, लेकिन अगर आपके पास भी ओला S1 है तो आप भी इस तरीके का चार्जर होल्डर ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस नंबर से आके भी कांटेक्ट कर सकते हो और पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो जल्दी जाओ परचेस करो, काफ़ी सही रेट में है। तो अभी कहाँ तक हो गया है काम देखते हैं अपन। तो यहाँ पर ये काम अपना ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी का काम हो चुका है, एक बार मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि यार प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज क्या हुआ, ये पैड चेंज हुआ है, आपको नया दिख ही रहा होगा और ये बटन तो प्रॉपर काम कर रहा है। राइड के बाद मोड वाला बटन भी काम कर रहा है, वॉल्यूम लो भी प्रॉपर, वॉल्यूम अप भी प्रॉपर काम कर रहा है और ये किसका है, पॉज करने का, म्यूजिक पॉज का है ना, तो म्यूजिक तो कनेक्ट होगा तभी पता चलेगा। बाकी मुझे लगता है ये भी काम कर ही रहा होगा जब इतने सारे चीज़ें काम कर रही है। तो बाकी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ओला केयर पे कॉल करो। चार्जेस क्या लगे तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है क्योंकि वारंटी में था, तो चार्जेस की भी परवाह मत करना कि चार्जेस लगेंगे क्योंकि अपन ने 3 साल की वारंटी तो कंपनी दे दी है, 5 साल आपको अगर आप एक्सटेंड लेते हो तो 5 साल वारंटी मिलती है और सारे ही पार्ट्स वारंटी में आते हैं और मान लो कभी कोई डैमेज हो रहा है तो इंश्योरेंस में आ जाएगा। तो ठीक है, और भी कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में, ओके बाय। Thank you.